सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सैमसंग ने इसी महीने अपना एप सीरीज का एक फोन लॉन्च किया था जो था दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F41 जो दोस्तों फ्लिपकार्ट के सेल में देखने को आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूज है कि वो इस फ़ोन को खरीदें या फिर ना खरीदें। दोस्तों इसी फ़ोन के बारे में मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, और इस फ़ोन में दोस्तों हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और इसकी प्राइस क्या होने वाली है, और आप इस फ़ोन को खरीदना चाहते हो तो कैसे आप इसे अच्छे डिस्काउंट पर खरीद सकते हो, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके कि ये फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है और इस फ़ोन को आप अच्छी प्राइस पर कैसे खरीद सकते हो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस F41 के बारे में बताता हूँ। दोस्तों सैमसंग का ये फ़ोन 8 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, जिसकी पहली सेल फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर स्टार्ट हुई है। दोस्तों इस फ़ोन की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सेल के अंदर ये फ़ोन आपको 15,500 का देखने को मिल जाएगा। इसका जो 6GB 64GB वेरियंट है ये आपको 15,500 का देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसे अच्छी कीमत में खरीद सकते हो और आप इसे खरीदना चाहते हो तो, जो कि दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फोन डिज़ाइन की। दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा इतना खास नहीं है, क्योंकि इसका जो बैक पैनल है दोस्तों वो प्लास्टिक का दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ हमें सिंगल कलर देखने को मिलता है। अगर आप ब्लैक लेते हो तो पूरा ब्लैक है, अगर आप ब्लू ले तो दोस्तों पूरा ब्लू मिलेगा, यानी कोई भी डिज़ाइन नहीं दी गई है बैक पैनल में, जैसे हमें और फोनों में देखने को मिलती है। इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसके अंदर दोस्तों हमें 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि दोस्तों एक फुल एचडी डिस्प्ले है। दोस्तों अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी हो, जिसमें दोस्तों हमें अच्छे अच्छे कलर देखने को मिले, तो ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट है इस प्राइस रेंज पर। दोस्तों इसके कैमरा की बात करें तो इसके बैक में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका जो दोस्तों मेन कैमरा है वो 64MP का है। इसके फ्रंट में हमें 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। दोस्तों इस फोन में हमें अच्छे अच्छे कैमरा देखने को मिलते हैं, जिससे आप अपनी अच्छी अच्छी फोटो ले सकते हो और वीडियो शूट भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 6000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ी बैटरी है। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा हो, जो आपका पूरा दिन आसानी से निकाल सके, तो आप इस फोन को ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में काफ़ी लोग हैं जो पूरा दिन अपने फोन में गेम खेलते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, सॉन्ग सुनते रहते हैं। दोस्तों ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी दी गई है वो काफ़ी बड़ी बैटरी है, जो आपका आसानी से एक दिन निकाल देगी। अगर आप अपने फोन नॉर्मल यूज़ करते हो दोस्तों आपका ये फ़ोन 2 दिन तक चल सकता है। दोस्तों बैटरी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें एक्जीनोज का 9011 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि दोस्तों एक नॉर्मल प्रोसेसर है। अगर आप हैवी गेमिंग करते हो तब आपको इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वरना अगर आप अपने फोन नॉर्मल यूज़ करते हो, हल्के फुल्के गेमिंग करते हो, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों ये प्रोसेसर जो है हमें और भी कई डिवाइस में देखने को मिलता है। सैमसंग की जितनी भी ए सीरीज हैं दोस्तों इससे पहले लॉन्च हुई थी, उनके दोस्तों बहुत से डिवाइस में हमें यही प्रोसेसर देखने को मिलता है। और दोस्तों एम सीरीज़ के भी काफ़ी फ़ोन हैं जिनमें हमें 9611 प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों सैमसंग का ये प्रोसेसर काफ़ी पुराना है और वो उसे बार बार अपने फोन में देता आ रहा है। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा चले, जिसकी बैटरी काफ़ी बड़ी हो, जिसका जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा हो, डिस्प्ले उसको काफ़ी अच्छी हो, तो आप इस फोन को बिना टेंशन ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन सभी मामलों में। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो देखने में अच्छा लगे, थोड़ा स्लिम हो और उसमें प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी अच्छा दिया गया हो, तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइस की, कि आप इस फ़ोन को अच्छी कीमत में कैसे खरीद सकते हो। दोस्तों इसका जो 6GB और 64GB वाले वेरियंट है आपको फ्लिपकार्ट पर 15,500 का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास SOE कार्ड है तो आपको 1,250 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, प्लस आपको 1,000 का प्रीपेड ऑफर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके दोस्तों इस फ़ोन के ऊपर आपको 2,250 का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से ये फोन आपको 13,250 का पड़ सकता है। अगर आपके पास SOE क्रेडिट कार्ड है तो आपका ये फ़ोन 13,000 से भी कम कीमत में पड़ जाएगा। दोस्तों इस कीमत में मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आपकी प्रायोरिटी बैटरी है, डिस्प्ले है और कैमरा है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके लिए परफेक्ट फ़ोन है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो देखने में काफ़ी अच्छा लगे, जिसकी ग्लास बॉडी हो, तो आप इस फोन को स्किप कर सकते हो और आप इसकी जगह रेडमी का नोट 9 प्रो ले सकते हो। दोस्तों एक काफ़ी अच्छा फोन है देखने में, जिसकी बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले अच्छी हो, जिसमें दोस्तों आपको एक बड़ी बैटरी मिले, तो आप इस फोन को बिना टेंशन कह सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।